आज मैं आपके लिए ओट स्मूदी की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप जिसे आप ब्रेकफास्ट में, डिनर में कभी भी ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये स्मूदी आपके लिए परफेक्ट है। हमने इसे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं किया है, इसमें ना ही चीनी का, ना ही किसी फ्रूट का यूज किया है, फिर भी इसे हेल्दी तरीके से बना के तैयार किया है। बहुत ही हेल्दी ये स्मूदी बन के तैयार होती है। मॉर्निंग में अगर आप इस स्मूदी को ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो काफ़ी देर तक ये आपको फुलफिल रखती है और कुछ भी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको काफ़ी देर तक। और इवनिंग में लेते हैं तो इसके अलावा किसी और चीज़ को लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये स्मूदी बन के तैयार होती है, जिसे आप कभी भी ले सकते हैं। तो स्वागत है आपका कुक विद सोनिका मसंद में। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें इस रेसिपी को बनाना। ओट्स की हेल्दी स्मूदी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून ओट्स लूंगी। मैंने क्यूकर ओट्स लिए हैं, आप चाहे तो रोल्ड ओट्स भी ले सकते हैं। अब इनको 10 मिनट के लिए मैं भिगो के रख दूंगी। आप कभी भी ओट्स को लें तो मतलब कि उनको भिगो के 10 मिनट भिगो के, या थोड़ा ड्राई रोस्ट करके ही लें, गैस के ऊपर थोड़ा रोस्ट करके ले सकते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि कभी कभी ओट्स में जो फैटिक एसिड होता है वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करता है जो फैटिक एसिड होता है। तो ऐसा इनको थोड़ा भिगो के, ओट्स को हमें भिगो के या थोड़ा रोस्ट करके ही लेना चाहिए। अब इसमें मैं नारियल का दूध का इस्तेमाल करूंगी, कोई डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करूंगी, डेयरी मिल्क का नहीं करूंगी। तो यहाँ पे ये ताज़ा फ्रेश नारियल लिए हुए, मैंने इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब मिक्सी के एक जार में डाल के हम इसको थोड़ा पानी डाल के इसका मिल्क निकालेंगे नारियल का। ये देखिए इस तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे और इस तरह से इसको ये देखिए स्ट्रेन कर लेंगे। इससे इस तरह से हमारा ये बहुत ईजी तरीके से हमारा ये नारियल का फ्रेश होम मेड मिल्क बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए बहुत ही हेल्दी ये मिल्क होता है। आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है तो इस मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनके ये घर में फ्रेश और जल्दी बनके तैयार हो जाता है ये हमारा मिल्क। आप इसको कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं। हमारे पास फ्रेश नारियल होना चाहिए तो इससे आपको इस मिल्क को जल्दी से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने निचोड़ के इसको इस तरह से दबाते हुए छन्नी में से अपने मिल्क को ले लेना है। एक बार फिर से इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से फिर से मैं इसको जार में डाल के, मिक्सी के जार में डाल के दोबारा फिर से इसको ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए थोड़ा सा पानी फिर से डाल दिया है मैंने। अब इसको फिर से मैं ग्राइंड कर लूँगी यहाँ पे। ये देखिए फिर से मैंने इसको ग्राइंड करके ले लिया है। अब फिर से इसको स्ट्रेन करूँगी, जो बचा हुआ इसमें मिल्क होगा वो भी निकल जाएगा इस तरह से करने से। ये देखिए दोबारा से फिर से मैंने इसको स्ट्रेन कर लेना है यहाँ पे। लीजिए तैयार है हमारा स्मूदी के लिए हेल्दी कोकोनट मिल्क। आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हेल्दी स्मूदी बना रहे हैं तो हेल्दी कोकोनट मिल्क भी हमने बना के तैयार कर लिया। यहाँ पे ओट्स को मैंने रनिंग वाटर में धो के ले लिया था। ये देखिए अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसमें 1/4 कप में पीनट डालूंगी, इससे हमें नेचुरल फैट और प्रोटीन मिल जाता है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी पम्पकिन सीड डालूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने पम्पकिन सीड डाला है, जिससे हमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, कई तरह के विटामिन मिल जाते हैं। और 1 टेबलस्पून चिया सीड, 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमें बहुत सारे प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाते हैं। ये हमें जरूर अपने खाने में शामिल करने चाहिए, इसके बहुत हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं। 1 टेबलस्पून अनस्वीटनेस कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है, इससे हमारी स्मूदी में अच्छा सा टेस्ट आएगा। और स्वीटनेस के लिए मैंने इसमें डेट्स का इस्तेमाल किया है। डेट्स आप सॉफ्ट वाले ले सकते हैं, अगर सॉफ्ट वाले नहीं है तो उनको थोड़ा गर्म पानी में भिगो के उसके बाद इसमें इस तरह से थोड़ा तोड़ के डाल के यूज कर सकते हैं। ये देखिए मेरे सॉफ्ट हैं तो इस तरह डाल लिए है अपने खजूर को स्वीटनेस के लिए। ये देखिए खजूर भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। ये कई प्रकार के होते हैं खजूर, लेकिन ब्लैक डेट्स जो है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। अब ये देखिए सारा सामान हमने ये इकट्ठा कर लिया है। अब इसको एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको इन सबको मिक्सी के जार में डाल लेना है। इसमें 1 कप हम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कोकोनट मिल्क इसमें डाल देंगे, जो इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे मजबूत करता है। अब इन सबको हम ये देखिए ब्लेंड कर लेंगे अपने स्मूदी को। यहाँ पे ये देखिए अपने स्मूदी को हमने ब्लेंड कर लिया है। इतनी बढ़िया क्रीमी हेल्दी स्मूदी बनके हमारी तैयार हुई है। इसमें बहुत सारे हमने हेल्दी फैट्स वाले नट्स यूज किए हैं। इतनी हेल्दी ये बनके तैयार हुई है।
और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हमने कोकोनट मिल्क का यूज किया है। इतनी हेल्दी ये स्मूदी हमारी बनके तैयार हुई है, तो इसे आप जरूर लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने चिया सीड 2 टेबलस्पून भिगो के रखे थे पानी में, अब ये अच्छे से फूल चुके हैं। डेकोरेशन के लिए मैं चिया सीड का यूज कर रही हूँ। ये देखिए 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिया सीड डाल दिए हैं, बहुत हेल्दी होते हैं ये। और इसके ऊपर मैं इसको डेकोरेट करूंगी पीनट्स, जो मैंने बारीक चॉप करके रखे थे पीनट्स डालूंगी, और थोड़े से पम्पकिन सीड से इसको डेकोरेट करूंगी। अगर यहाँ पे अगर आपको पीनट्स या ये सीड्स जो हैं ये आपको सूट नहीं करते हैं, तो इसकी जगह आप ड्राई नट्स जैसे काजू बादाम का भी इसको इसमें यूज कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी ओट्स की हेल्दी स्मूदी, जिसमें हमने ना किसी मिल्क का यूज किया है डेयरी प्रोडक्ट का, और ना ही हमने किसी फ्रूट का यूज किया है, और ना ही शुगर का इस्तेमाल किया है। बहुत ही हेल्दी ये बनके तैयार हुई है। इसे आप कभी भी ले सकते हैं, मॉर्निंग में या डिनर में कभी भी इसको ले सकते हैं। इसको लेने के बाद किसी और चीज़ को लेने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी हेल्दी ये स्मूदी हमारी बनके तैयार होती है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।